हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल अपना स्टॉक एनालिसिस। दोस्तों, हमें से हर कोई जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, हमारे दिमाग में एक बात कभी ना कभी दिमाग में जरूर आती है कि काश हम लोगों को भी एक ऐसा पेनी स्टॉक मिल जाता जहां पे हम लोग अभी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके रख देते और 5-10 साल बाद में मल्टीबैगर बन जाता स्टॉक और काफी जो है पैसा का बारिश होता, काफी बढ़िया एक रिटर्न हम लोगों को मिल पाता। तो इसीलिए मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक पेनी स्टॉक जो कि अभी ट्रेड कर रही है ओनली 54 पैसा में। ओनली 54 पैसा में अभी पेनी ये जो स्टॉक है ट्रेड कर रही है। तो इसको पूरा एनालाइज करके बताएंगे कि ये जो स्टॉक है इसमें हम लोग अभी जो है इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे, शायद ये वो पेनी स्टॉक है जहां पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं अभी अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें से मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। अभी इसका प्राइस है 54 पैसा। 54 पैसा से मुझे इतने यूनिट मिल जाएंगे, 18,518 यूनिट मेरा अकाउंट में मिल जाएगा 10,000 रुपए में। तो ये 18,518 जो स्टॉक्स जो शेयर्स मेरे पास रहेंगे मैं इसको बेचूंगा 540 रुपया में। 540 रुपये में मैं इसको बेचूंगा आज से 5 साल या फिर 10 साल अगर जरूरत पड़े तो 15 साल बाद। लेकिन स्टॉक ऊपर जाएगी, ये जो है कंपनी में दम है। तो पूरा एनालाइज करेंगे अभी का डेट में, आज है 27th of March 2022 और यहाँ पे जो है मैंने ये एक स्टॉक निकाला है जहां पे मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं 10,000 का जो है ये पेनी स्टॉक में, जिसका नाम है पजल इंटरनेशनल लिमिटेड। पजल इंटरनेशनल लिमिटेड ये जो कंपनी है एक पेनी स्टॉक है और ये क्या कौन सा बिजनेस में काम करती है, क्या मॉडस ऑपरेंडी क्या है इनका बिजनेस का, पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो मैं आपको ये सारा जो है आपको मैं बताऊंगा कि फाइनेंशियल डेटा में फंडामेंटल टेक्निकल स्टॉक का क्या अभी जो है ट्रेंड चल रहा है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये जो स्टॉक है पजल इंटरनेशनल इज मेनली डीलिंग इन द सप्लाई ऑफ स्टॉक लॉट ऑफ पॉली पैकेजिंग रोल एंड ओवरले टिश्यू पेपर इन वेरियस साइज एंड थिकनेस एंड इज ऑल्सो इंपोर्टिंग द सेम फ्रॉम वेरियस यूरोपियन कंट्रीज। तो जो ये कंपनी जो है पैकेजिंग वगैरह का काम करती है, टिश्यू पेपर वगैरह बनाती है, सेल करती है, इसका जो मेन बिजनेस जो वही है, इंपोर्ट वगैरह भी करती है। पजल इंटरनेशनल लिमिटेड ओनली लिस्टेड है BSE में, जिसका प्राइस अभी चल रहा है 54 पैसा। मार्केट कैप है कंपनी का 9.5 करोड़ का, 9.51 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। करेंट प्राइस 0.54 पैसा और स्टॉक का 52 एक हाई एंड लो का अगर बात करें तो 0.21 का हाई और 91 पैसा का लो और 94 पैसा का हाई कंपनी ने बनाया हुआ है एक साल में। बुक वैल्यू कंपनी का पॉजिटिव में है, स्टॉक का PE पॉजिटिव में है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 2.80% का है और अगर ROCE का बात करें तो ये भी पॉजिटिव में है और स्टॉक का फेस वैल्यू अगर देखे तो 1 रुपया का फेस वैल्यू स्टॉक का है। अगर एक साल में स्टॉक का अगर चार्ट पैटर्न अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह का जो है चार्ट पैटर्न कंपनी ने बनाया हुआ है जो कि 50 DMA और 200 DMA का ऊपर कंपनी अभी ट्रेड कर रही है 54 पैसा में। तो बाय के लिए टेक्निकली भी अगर आप टेक्निकल फॉलो करते हैं तो उस लिहाज से भी एक अच्छा इंडिकेशन यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैक्सिमम ये कंपनी का ऑल टाइम हाई एंड लो का अगर बात करें तो देखिए कंपनी ने कुछ इस तरह का जो है एक हाई बनाया था 2014 में, जो कंपनी का स्टॉक है करीब करीब 27 रुपए में ट्रेड हुआ करती थी। तो ये जो स्टॉक है अभी 54 पैसा में चल रहा है, अगर मान लीजिए ये अगर 26-27 रुपए अगर अगर ट्रेड पहले भी कर रहा था तो ऑब्वियसली ये जो स्टॉक है 26-27 रुपए में स्टॉक करने ट्रेड करने के बाद जो है अभी डाउन आया है, डाउन होकर अभी यहां से फिर से अप होगा। अब जब होगा तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, मान लीजिए ये 5 साल लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है क्योंकि मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता। तो वो 5 साल में भी अचीव हो सकता है, 10 साल में भी अचीव हो सकता है या फिर मान लीजिए 15 साल भी लग सकते हैं। तो मेरा जो अभी जो
जो है इन्वेस्टमेंट का, जो एक मैंने जो डिसीजन लिया है कि 10,000 रुपये मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा लगभग 10 साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए, और मैं बेचूंगा 540 रुपये में, तो मुझे इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलेगा अभी का 10,000, 10 साल बाद 1 करोड़। अभी इसमें अगर स्टॉक का बाकी पैरामीटर अगर देखिए, कॉम्पिटिटर्स देख लेते हैं, पेयर कंपनी में देखिए, पेयर कंपनी में अदानी इंटरप्राइज, रेडिंगटन इंडिया, एमएमटीसी, रेन इंडस्ट्रीज, ये जो कंपनीज है, ये कंपनी पाजल इंटरनेशनल ये कंपनी का कंपिटिटर्स है, और जो कंपनी में देखिए 3.91 का आरओसीई है जो कि पॉजिटिव में है, और पेयर कंपनीज भी काफी अच्छी है। इसमें काफी सारे स्टॉक ऐसे भी है जो कि मतलब पहले तो स्टॉक का प्राइस काफी कम था लेकिन अभी जो है काफी हाई में चला गया। उसमें से आप अदानी इंटरप्राइज को भी देख सकते हैं, 1867 रुपीज में अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन आप अगर 5 साल पहले का डेटा देखें तो आप भी चौंक जाएंगे कि स्टॉक ने ऐसे रिटर्न कैसे जनरेट करके दिया। तो यही होने वाला है पजल इंटरनेशनल के साथ भी। और जो स्टॉक का अगर क्वार्टरली सेल्स का अगर बात करें तो क्वार्टरली सेल्स में 2019 तक का जो सेल्स फिगर पॉजिटिव में है, उसके बाद जो है कोई सेल्स फिगर कंपनी से अपडेटेड नहीं है। सेल्स फिगर्स तो ऑब्वियसली होंगे लेकिन अपडेटेड नहीं है अभी। अगर नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 0.02 का जो है नेट प्रॉफिट कंपनी का 2020 क्वार्टर में था, 2020 का मार्च क्वार्टर में था, जून 2020 का जो है क्वार्टर में 0.16 का जो है प्रॉफिट था, लगभग जो है काफी गुना बढ़ गया, और जो है सितंबर 2021 का क्वार्टर में जो है 0.17 का नेट प्रॉफिट कंपनी में दिख रहा है। तो जो है नेट प्रॉफिट भी काफी तेजी से बढ़ रही है, कंपनी का लेने के लिए काफी अट्रैक्टिव भी लग रहा है। तो नेक्स्ट पैरामीटर अगर देखे कंपनी का, देखिए बोरिंग्स देखेंगे कि कंपनी के पास कर्जा है कि नहीं है। तो देखिए कंपनी के पास मार्च 2020 तक जो है 0.02 जो है इसका जो इतना जो है डेट पहले कर्जा थी, अभी जो है सितंबर 2020 को लेटेस्ट जो डेटा था उसमें 0.00, मतलब अभी कंपनी बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, ओनली 54 पैसा में कंपनी ट्रेड कर रही है, और कंपनी के मार्केट कैप भी करीब करीब 9.5 करोड़ का है। और अगर इसका अगर लास्ट पैरामीटर में अगर देखे पब्लिक में, अगर देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो है कोई FII, कोई DII, कोई म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, क्योंकि पेनी स्टॉक है, काफी सस्ता है, और जो है पेनी स्टॉक हमेशा रिस्क कैरी करता है, हाई रिस्क कैरी करता है। तो ये जो स्टॉक है इनमें सिर्फ पब्लिक का होल्डिंग है, 100% होल्डिंग पब्लिक का है, लेकिन पब्लिक में से काफी सारे कंपनीज भी इसमें जो है होल्डिंग करके रखे हैं, जैसे कि एडलवाइज, कस्टोडियल सर्विसेज लिमिटेड, ये सब कंपनीज, बड़े बड़े कंपनी ने अपना जो है छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जो है ये कंपनी में करके स्टेक लेके रखा हुआ है एज ए पब्लिक इन्वेस्टर। तो ये जो स्टॉक है पेनी स्टॉक, आपको रखना है कम से कम 10 साल, 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आज के डेट, और जो है आपको निकालना है 10 साल बाद में, जरूर आपको ये अच्छा खासा एक रिटर्न करके देगा। लेकिन अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, तो अगर आप बाय करके रखना चाहते हैं तो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर कीजिएगा, या फिर अपना रिसर्च एक बार जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।